भर के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, एग्जाम पैटर्न बदल गया है। जी हाँ, जरूरी जानकारी इस खबर में देखिए ध्यान से। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 2025 से जुड़ी हुई। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर अभी भी हो चुका है सबसे बड़ा और अहम ऐलान, और आप सभी का सिलेबस सरकार के द्वारा चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, भारत के सभी राज्य के बोर्ड को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा और अहम ऐलान कर दिया गया, और आप सभी का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज करने का ऐलान कर दिया गया। चाहे भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड से बिलोंग करने वाले छात्र और छात्राएं तो आप इस वीडियो अंत तक जुड़ देखिएगा, अन्यथा आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। साथ ही आपने बोर्ड और राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, ताकि आपके बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट रहेगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर है। जी आप सभी बता दें, सरकार बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कई सारे अहम और बड़े बदलाव करी है। इस बीच कुछ बदलाव ऐसे भी जो छात्रों को हैरान परेशान कर देने वाले हैं, तो कुछ ऐसे भी जो राहत प्रदान कर देने वाले हैं। इसी बीच छात्रों के लिए यह सबसे बड़ी और अहम खबर निकल के सामने रही कि आप सभी का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज करने का सरकार ने ऐलान कर दिया। जी हाँ, सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि इस बार आपके जो बड़े पर्सन हैं उनका वेटेज 40% से घटाकर 30% कर दिए गए। यानी पहले आपके पेपर में 40% आपके बड़े क्वेश्चन आते थे, अब उसकी जगह आपके 30% ही आएंगे। इससे सरकार का कहना है कि इससे छात्रों की रटने की प्रवृत्ति कम होगी और समझ पर जोर दिया जाएगा, और छात्रों को अवधारणा को समझने और उन्हें लागू करने में ध्यान देना होगा। सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला छात्रों के तनाव को कम करने के लिए लिया गया है। यानी इस बार आपके बड़े क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, इस बार छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखने मिलेंगे, कुछ देखने मिलेंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम इस बार आपको बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इस बार आपकी जो रटने की प्रवृत्ति है उनको कम करने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। इस पर आपसे लाइक क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।